आई एवरी वन आई एम करण मसरू वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सिसविजन टू का प्रॉब्लम ए वन एंड ए टू दैट इज गार्डनर एंड दी ब्रासो बिफमुइंग ऑन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाई न्यूटन स्कूल दैट इज कोडरस एक्स जिसमें कि टेन लैक्स तक के प्राइजे है मोर देन फाइव्रेड पार्टिसिपेंट्स विल भी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स एंड देर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ टॉप टेक कंपनीज सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट एज सुन एज पॉसिबल बाई द लिंक विच इज गिवन दर इन द डिस्क्रिप्शन

रिसेंटली कश्मीर डिसाइडेड टू गेट हिमसेल्फ थ्री कैपिबराज द गार्डनर इवन केम अप विद their नेम्स एंड wrote देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर द नेम ऑफ ईच कैपिबरा इज अ नॉन empty line लाइन of ऑफ लेटर्स ए एंड बी ठीक है यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होती है क्या बोला गया है तीन कैपीबरा का जो नाम है वो लिखा गया है नेम ऑफ ईच ऑफ देम इज ए नॉन एम टी लाइन मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ नॉन एम टी स्ट्रिंग कंजिस्टिंग ऑफ ओनली ए एंड बी ठीक है डिनोट द नेम्स ऑफ बाय द लाइंस ए बी एंड सी ठीक है तो तीन कैपीबरास के नाम है एक का नाम स्ट्रिंग ए से रिप्रेजेंट किया गया है एक का नाम स्ट्रिंग बी से और एक का नाम स्ट्रिंग सी से कश्मीर रोड द नॉन एम्प्टी लाइंस ए बी एंड सी इन अ रो विदाउट स्पेसेस फॉर एग्जाम्पल इफ द कैपेबर ए बी ए बी एंड बी बीन स्ट्रिंग दोड लुक लाइक ए बी ए ए बी 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 ठीक है क्या बोला गया है कि उसने पेपर पे इन तीनों नाम को लिख दिया विदाउट यूजिंग दतलब की पहले स्ट्रिंग ए फिर स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी फॉर एग्जाम्पल अगर ए का नाम जो है वो ए बी ए है बी का नाम जो है वो ए बी है और सी का नाम जो है वो बी बी B है क्योंकि तीनों ए की मदद से बनी हुई स्ट्रिंग है तो उसने पेपर पे क्या लिख दिया ए बी ए ए बी 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 जहां पे ये ए है यहाँ ये बी है एंड ये सी है ठीक है ओके द गार्डनर remember एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आइदर द स्ट्रिंग B इज lexicographically नॉट स्मॉलर देन द स्ट्रिंग्स A एंड C एट द सेम टाइम और क्या बोला गया है कि स्ट्रिंग बी जो है वो सी से ए एंड सी से लेक्सिकोग्राफिकली नॉट स्मॉलर है मतलब कि ग्रेटर या इक्वल है मतलब कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेक्सिकोग्राफिकली और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लेक्सिकोग्राफिकली और एट द सेम टाइम बोला है तो यहाँ पे एंड आएगा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और इन अदर वर्ड्स आइदर एट द सेम टाइम और द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली नॉट ग्रेटर देन द स्ट्रिंग्स ए एंड सी एट द सेम टाइम मतलब या तो वो इससे स्मॉलर नहीं है या स्ट्रिंग बी इनसे ग्रेटर नहीं है ग्रेटर नहीं है मतलब क्या या तो इक्वल है या लेस है मतलब कि बी इज लेसन इक्वल टू ए एंड बी इज लेस दैन इक्वल टू सी मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन ट्रू है या ए और सी से दोनों से बड़ी है या ए और सी दोनों से छोटी है इक्वल भी हो सकती है ठीक है ओके इन अदर वर्ड्स आईधर ए इज लेस इक्वल टू बी एंड सी इज लेस इक्वल टू बी विच वी साइड इन धिस लाइन आर सेटिस्फाइड और बी इज लेस इक्वल टू ए एंड बी इज लेस और इक्वल टू सी ठीक है ना जो कि हमने यहाँ पे लिखा है और पॉसिबली बोथ कंडीशन साइमल्टेनियसली या तो फिर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो गई है साइमल्टेनियसली कब ट्रू होगी जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो हम कह सकते हैं बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड सी एज वेल एज बी इज लेस देन इक्वल टू ए एंड सी ठीक है ना ओके okay. तो यहाँ पे ये यह कंडीशन हो सकती है यर लेस देन इक्वल टू डिनोट्स द लेक्सिकोग्राफिक लेस देन और इक्वल टू फॉर स्ट्रिंग्स दस ए लेस देन इक्वल टू बी मीन्स दैट द स्ट्रिंग्स मस्ट आईधर बी इक्वल और स्ट्रिंग ए मस्ट स्टैंड अर्लियर इन द डिक्शनरी देन द स्ट्रिंग बी फॉर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस ऑपरेशन सी नोट्स सेक्शन ठीक है ना तो वो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर और स्मॉलर की बात कर रहा है कि अगर हम कहते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी लेक्सिकोग्राफिकली मतलब ए शुड कम इन डिक्शनरी फर्स्ट देन बी ओके ओके Today the gardener looked at his notes and realized that he cannot recover the names but they are written without spaces. He is no longer sure if he can recover the original strings A, B and C so he wants to find any triplets of names that satisfy above property. तो अब गार्डनर ने जब अपनी नोट्स पे देखा तो उसने नेम तो देखा कि एक स्ट्रिंग दी गई है कुछ इस तरह की लेकिन उसमें से वो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स जो है ए बी और सी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है ठीक है तो उसको कोई भी ऐसी ट्रिपलेट फाइंड करनी है जो कि ये गिवन स्ट्रिंग जो उसकी नोट्स पर लिखी है उसको सेटिस्फाई करे एज वेल एज इनमें से कोई कंडीशन ट्रू हो ऐसी एक ट्रिपलेट स्ट्रिंग है स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी की उसको चाहिए इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में एक स्ट्रिंग एस दी गई है जो कि उसकी नोट्स में लिखी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एस हमें आउटपुट में क्या बताना है हमें आउटपुट में स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी बताना है सच दैट बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एस वेल एस सी और बी इज लेस देन इक्वल टू ए एस वेल एस सी एट द सेम टाइम एस वेल एस ए बी एंड सी ऑल थ्री आर नॉन एम्प्टी एंड वेन यू कंबाइन ए बी एन सी यू गेट स्ट्रिंग एस ठीक है ना ये हमें बताना है और अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है सो so, अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बहुत सारी स्टोरी दी गई है लेकिन अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन को समझे तो हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है जिसकी लेंथ एन है और इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स ए एंड बी यूज किए गए हैं ठीक है हमें इस स्ट्रिंग एस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है ए बी एंड सी सच दैट ये तीनों नॉन एम हो एंड आइधर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेक्सिकोग्राफिकली एट द सेम टाइम मतलब ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है या तो फिर बी ए से भी छोटा है एंड बी सी से भी छोटा है याद रखना है यहाँ पर इक्वल टू भी है तो इक्वल टू भी चलेगा

बेसिकली स्मॉलर मतलब जो डिक्शनरी में आ, अगर मैं कहता हूँ ए इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी तो वो डिक्शनरी में बी से पहले आएगा अब इसका लेंथ से भी लेना देना है और कैरेक्टर से भी लेना देना है पहले तो अगर मैं दो स्ट्रिंग्स ए एंड बी को कंपेयर कर रहा हूँ लेक्सिकोग्राफिकली तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर है वो जिसमें बड़ा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्ट्रिंग है ए बी सी एक है ए बी ए सो दिस इज द फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर एंड दिस इज सी सो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस फिर चाहे यहाँ पे और तीन ए आ जाए और यहाँ पे कुछ ना हो चलेगा ठीक है सो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस अगर पूरा जो प्रिफिक्स है वो दोनों का सेम है तो जिसकी लेंथ बड़ी होगी मतलब कि जो स्ट्रिंग छोटी है वो पूरी की पूरी बड़ी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है मतलब कहीं भी अनमैचिंग कैरेक्टर नहीं है तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ए बी ए होता तो अब यहां पे नॉन मैचिंग कैरेक्टर तो है नहीं लेकिन अब इसकी लेंथ बड़ी है तो ये लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा है ये स्ट्रिंग ये डिक्शनरी में बाद में आएगा ठीक है ये दोनों क्लियर है ओके okay. अब यहां पे हमें क्या चाहिए हमें बी जो है वो ए से और सी से लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए एट द सेम टाइम और बी जो है वो ए एंड सी से लेस देन इक्वल टू ए बी ए और सी से लेस देन इक्वल टू चाहिए मतलब वो डिक्शनरी में पहले आना चाहिए एट द सेम टाइम ठीक है अब यहां पे इसमें जो एवन वाला क्वेश्चन है उसमें तो कंस्टेंट छोटे हैं वहां पे समीशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स लेस देन इक्वल टू 500 है तो आप क्या कर सकते हो आप तीन फोल दो फोल लूप लगा सकते हो पहला स्ट्रिंग ए के लिए दूसरा स्ट्रिंग बी के लिए और रिमेनिंग जो है वो स्ट्रिंग सी को दे दो और आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई अगर एक भी ऐसा केस मिलता है वेर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और बी इज लेस इक्वल टू ए एन बी इज इक्वल टू सी तो आपको ए बी और सी को प्रिंट कर दो ठीक है अगर एक भी ऐसा केस नहीं मिलता है पॉसिबल नहीं है तो हमें जो बोला है इस तरह का प्रिंट करना है लेकिन जब आप ए टू पे आते हो जहां पे कंस्ट्रेंट्स बड़े हैं जहां पे समेशन समेन स्ट्रिंग टू फोर इन टू टेन की पावर फाइव तो यहां पे आप दो फोर लूप भी नहीं लगा सकते एन स्क्वायर स्क्र एन स्क्वायर में भी एल्गोरिदम नहीं जा सकता आपको लीनियर एलगोरिदम से सॉल्व करना पड़ेगा तो अब यहां पे कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा अब लॉजिक कैसे सोचेंगे यहाँ पर हमें एक हिंट दी गई है कि हमारी जो स्ट्रिंग एस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ए और बी है क्योंकि ए बी और सी जो है वो सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर से बने हुए हैं अब मैं क्या चाहता हूँ कि बी ए से अब यहाँ पे लॉजिक क्या बन सकता है मैं चाहता हूँ कि बी जो है वो ए और सी से या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो ठीक है ना इक्वल टू चलेगा ठीक है ना लेकिन एक से बड़ा एक से छोटा वो नहीं चलेगा ठीक है ना तो अगर मैं ए और सी को इक्वल कर दूं फिर बीच बी की चाहे कुछ भी वैल्यू हो अगर लेस देन होगा तो दोनों से लेस देन होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अगर मैं ए और सी को इक्वल कर दूं तो तो ये पहला कुछ इस तरह का कांसेप्ट मुझे दिमाग में आ रहा है अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूं है ना तो C जो है वो B से लेस देन इक्वल टू होगा देखो अगर मैं A और C को इक्वल कर दूं तो अब मान लो B ग्रेटर देन इक्वल टू A है तो एट द सेम टाइम वो ग्रेटर देन इक्वल टू C ऑटोमेटिकली हो जाएगा सिमिलरली लेस देन इक्वल टू के दिया अगर मैं A को B के बराबर कर दूं तो अब C मान लो B से ग्रेटर है तो C जो है वो B से ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब B लेस देन इक्वल टू C है और A इक्वल टू B है तो मैं कह सकता हूं कि b इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए क्योंकि इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू भी कह सकते हैं अब यहां पे अगर तो ये भी चल जाएगा अगर c ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू b होता तो मैं ये भी कह सकता था a इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू b क्योंकि इक्वल टू है तो ये भी चल जाएगा सिमिलरली अगर मैं b और c को इक्वल कर दू स्ट्रिंग b और स्ट्रिंग c को अब मान लो a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ c भी b से ग्रेटर देन इक्वल टू है

तो अगर पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर सेम है तो मैं क्या करूंगा ए को एस ऑफ जीरो कर दूंगा और सी को एस ऑफ एन माइनस वन कर दूंगा मतलब कि इफ एस ऑफ जीरो इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू एस ऑफ जीरो सी इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू सी हो गया कैसे किया ए जो है वो कुछ प्रीफिक्स होगा स्ट्रिंग एस का सी जो है वो कुछ सफिक्स होगा और रिमेनिंग बीच वाला पार्ट बी का होगा अब ए इक्वल टू सी अगर पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है तो ए को मैं पहले कैरेक्टर के बराबर कर देता हूँ सी को मैं आखिरी कैरेक्टर के बराबर कर देता हूँ तो ए और सी इक्वल हो गए ठीक है ना अब बी अगर छोटा होगा तो दोनों से छोटा होगा बड़ा होगा तो दोनों से बड़ा होगा B की चाहे कुछ भी वैल्यू हो तो अब हमें ज्यादा नहीं सोचना B को हम क्या कर देंगे S ऑफ टू से लेके S ऑफ टू प्लस एस ऑफ थ्री प्लस एस ऑफ एन माइनस टू तक पूरी वैल्यू दे देंगे क्योंकि ए और से इक्वल हो गए अब बी कुछ भी वैल्यू ले अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो दोनों से लेस देन इक्वल टू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसको हमें ज्यादा सोचना नहीं है हम क्या कर रहे हैं इसको और इसको कहीं ना कहीं मैच करवा रहे हैं ताकि हम एक फॉर लूप में सॉल्व कर पाए अगर पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है तो ये कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगर नहीं है तो क्या करना है इसका मतलब पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम नहीं है तो क्या केस हो सकता है पहला ए है वाला वाला है, है, है। पहला बी है, वाला ए है। दोनों में से एक केस हो सकता है ठीक है अब ये तो हो नहीं सकता तो कुछ इसका और इसके बारे में सोचते हैं ठीक है ना अब एक बात समझो अगर पहला कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर एस ऑफ वन वो दोनों सेम है क्योंकि एस ऑफ जीरो वो तो एस ऑफ एन माइनस वन के बराबर नहीं है ये हमें पता चल गया क्योंकि अगर इक्वल होते तो ये केस हो जाता मतलब कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें या तो ए बी होगा या तो बी ए होगा ठीक है ना ओके अब ए इक्वल टू बी मैं कर दूंगा तो भी इस्पेक्टिव ऑफ सी मेरा आंसर ट्रू ही होगा कैसे अब मान लो यह मैंने क्या बोला था कि प्रीफिक्स से वो ए होगा सफिक्स से वो सी होगा और बीच का कुछ पार्ट स्ट्रिंग बी होगा तो अगर यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी बी है मतलब कि सेकेंड कैरेक्टर इज सेम एज फर्स्ट कैरेक्टर मतलब कि इफ एस ऑफ जीरो इक्वल्स टू इक्वल्स टू एस ऑफ वन तो मैं क्या कर सकता हूँ ए इक्वल्स टू एस ऑफ जीरो बी इक्वल्स टू एस ऑफ वन सी इक्वल्स टू एस ऑफ टू टू एन माइनस वन अब मैंने ए और बी को इक्वल कर दिया कब जब ये और ये इक्वल थे तो इसको मैंने ए ले लिया इसको बी ले लिया यहाँ पे इसको ए ले लिया यहाँ पे इसको बी ले लिया और सेकंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जो भी था उसको सी में दे दिया अब क्या होगा ए और बी दोनों इक्वल है मान लो दोनों ए है ए भी स्ट्रिंग ए भी ए है और स्ट्रिंग बी भी ए है अगर स्ट्रिंग सी ए से स्टार्ट होगा लेकिन उसकी लेंथ इतनी होगी तो वो ए और बी दोनों से लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा क्योंकि अगर वो ए से स्टार्ट होगा लेकिन एंड बी से होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इससे बड़ी होगी भले स्टार्टिंग कैरेक्टर ए हो दोनों में तो वो दोनों से बड़ा होगा तो वो कौन सा वाला केस हो जाएगा बी इज लेस देन इक्वल टू सी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्योंकि बी इज इक्वल टू ए तो इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए तो सेटिस्फाई हो जाएगा अगर दोनों बी है और स्ट्रिंग सी जो है वो ए से एंड हो रही है अगर स्ट्रिंग सी और यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो बी से स्टार्ट हो वो बी दोनों से बड़ी ही होगी मतलब कि ये वाला केस सेटिस्फाई कर जाएगा अब यहाँ पे क्या होगा ए और बी इक्वल है स्ट्रिंग ए भी, भी है स्ट्रिंग बी बी है अब सी जो है वो ए से स्टार्ट होगा तो वो दोनों से कम होगा मतलब कि सी इज देन इक्वल टू बी और इक्वल टू बी है तो मैं बी बी बोल सकता हूं अगर स्ट्रिंग सी बी से चालू होता है और एंड कैरेक्टर उसका ए है तो वो इन दोनों से बड़ा होगा तो अगेन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्योंकि बी और ए तो इक्वल है कहने का मतलब क्या है जैसे ही मैंने स्ट्रिंग ए और बी दोनों को इक्वल कर दिया आई कैन से एट द सेम टाइम ए इज लेस देन इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी अब स्ट्रिंग सी लेस देन इक्वल टू बी होगा तो ए को लेस देन इक्वल टू बी बोलेंगे स्ट्रिंग सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा तो स्ट्रिंग ए को ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोलेंगे क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो ये भी ट्रू हो जाएगा ठीक है अब अगर पहले दो कैरेक्टर सेम नहीं है और पहला और आखिरी कैरेक्टर भी सेम नहीं है ये क्या है पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है ये क्या है पहला और दूसरा कैरेक्टर सेम है तो ये ए होगा ये बी होगा ये बी होगा ये ए होगा ठीक है तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए कि स्ट्रिंग बी जो है वो ए और सी दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो अगर ये वाला केस हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं अगर ये वाला केस हुआ यह कब होगा एल्स एफ एस ऑफ वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी या तो फिर एस ऑफ जीरोक्वल टू इक्वल टू ए बी आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि यह दोनों सेम नहीं है मतलब ये ए होगा यह बी होगा और ये और ये भी सेम नहीं है मतलब ये बी होगा तो अगर ये वाला केस है तो मैं स्ट्रिंग ए को ए दे दूंगा स्ट्रिंग सी को बी दे दूंगा सॉरी स्ट्रिंग सी को आखिरी वाला कैरेक्टर बी दे दूंगा स्ट्रिंग ए को पहला कैरेक्टर ए दे दूंगा तो एस ए इक्वल्स टू एस ऑफ जीरो विच इज नथिंग बट कैरेक्टर ए ओनली सी इज इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस वन विच इज नथिंग बट कैरेक्टर बी ओनली अब सेकेंड कैरेक्टर बी है ये भी हमें पता है तो रिमेनिंग अगर मैं बीच का जितना भी है वो स्ट्रिंग बी को दे दू है ना तो क्या हो सकता है या तो सिर्फ ए बी बी होगा तो ये स्ट्रिंग ए बन जाएगा ये स्ट्रिंग सी बन जाएगा ये स्ट्रिंग बी बन जाएगा। या तो फिर ए बी और यहां पे कुछ और कैरेक्टर्स होंगे तो ये पूरा अगर स्ट्रिंग बी के पास होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो है ही क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है इससे भी बड़ा होगा क्योंकि इसकी लेंथ वन है इसकी ज्यादा है हमने और ग्रेटर तब क्या डिस्कस किया था कि अगर स्मॉलर स्ट्रिंग के के है तो लार्जर स्ट्रिंगली तो भी भी से शुरू रहा है सिर्फ करेक्टर भी है सो दिस पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर टू स्ट्रिंग ए एज वेल एज स्ट्रिंग सी तो बी क्या हो जाएगा एस ऑफ वन से लेके एन माइनस टू ठीक है ना अब आखता है आखिरी पार्ट कौन सा ये वाला बी ए एंड ए ठीक है ना अब एक बात समझो ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो अगर अभी तक की मैं पैटर्न फॉलो करूं तो मैं स्ट्रिंग ए को पहला कैरेक्टर दूंगा तो ए इज इक्वल टू एस ऑफ जीरो विच इज नथिंग बट वट कैरेक्टर बी अब स्ट्रिंग बी जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है मतलब वो डेफिनेटली इससे तो लेस देन इक्वल टू है स्ट्रिंग बी ए से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग ए का कैरेक्टर बी है ए इक्वल टू एस ऑफ जीरो सो स्ट्रिंग बी लेस इक्वल टू ए तो अब मुझे क्या चाहिए स्ट्रिंग बी शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू सी तो मैं क्या कर सकता हूं स्ट्रिंग बी को सिर्फ ए दे दू मतलब एस ऑफ वन और सेकेंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक का जो है वो सी को दे दू अगर यहां पे बी होगा तो यहां से लेके यहां तक का जो है वो इससे लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा ही होगा ये भी इससे बड़ा है हमारा काम हो गया अगर यहां पे ए होगा तो भी ये पार्ट जो है इसकी लेंथ इससे ज्यादा होगी मतलब ये लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा वर्स्ट केस में क्या होगा बी ए ए होगा तो भी ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन इक्वल टू दिस दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन इक्वल टू दिस तो वहां पे भी हमारा काम हो जाएगा 2 N -1. और इन सभी केस को इफ e एल्स करके आउटपुट में प्रिंट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ओ ऑफ एन जो कि गिवन टाइम में इजिल हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन दिनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किए थैंक यू